देखिए, इस तरह की घटना आए दिन बिहार में सुनने को आती है, और वो भी उस राज्य में जहाँ पे शराब पे प्रतिबंध लगा हुआ है, पूरी तरह से बंद है, लेकिन आए दिन हम लोग को सुनने को मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। और जिन परिवार के सदस्यों के साथ ये घटना घटी है, उनके साथ हमारी संवेदना है, और हम चाहेंगे कि सरकार इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे, और खास तौर पे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ करके इसको बिहार में बैन किए थे। तो एक महिला होने के नाते, एक मेरा पर्सनल अपना है कि अगर इसको बैन रखना है तो पूरी तरीके से आप इसको सुनिश्चित करिए कि इस तरह की कोई घटना आए दिन ना घटे, महिलाओं को उत्पीड़न ना झेलना पड़े। अभी भी लोग, पहले लोग जो शराब पी के आते थे, महिलाओं के ऊपर इस तरह का करते थे, अत्याचार करते थे, आज भी ये घटनाएं शराब खुलेआम मिल रही है। लोग कहते हैं कि होम डिलीवरी होता है। जिस तरीके से झारखंड में चुनाव है और बिहार में भी बाइपोल्स हैं, क्या लगता है इंडिया गठबंधन कैसा परफॉर्म करेगी? देखिए, अगर स्थानीय चाहे वो झारखंड, तो खैर अभी पूरा चुनाव है और हमारे बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव होना है, तो मुझे बिहार के बारे में मैं ये कहूंगी कि बिहार के अगर स्थानीय मुद्दों पे अगर ये चुनाव होता है तो इंडिया गठबंधन 4 सीट पे अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। झारखंड को लेकर के कहा यह जा रहा है कि जो सीट बंटवारा हुआ है इंडिया गठबंधन में, आरजेडी उससे नाखुश है, क्या कहिएगा जी? देखिए, अभी कल मीडिया के माध्यम से हमें दिखा कि शायद कुछ नेताओं के बयान आए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे अभी कोई बयान नहीं आया है कि इंडिया गठबंधन में सीटों का क्या क्या बंटवारा हुआ। मुझे लगता है कि आज शाम तक ये क्लियर हो जाएगा। जीतन राम मांझी की बहू है, इमामगंज से एनडीए की उम्मीदवार है, परिवारवाद को लेकर के हमेशा आपको खेलते थे लोग, लेकिन ये देखा गया है कि एनडीए किन ने उन्हें सीट दी है इमामगंज से, कैसे देखती है इसको? देखिए, ये जो परिवारवाद का आरोप सिर्फ हमारे ही परिवार पे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार पे ही आरोप लगता है, बाकी वो किसी भी दल में उनके नेता हो, उनके परिवार भर भर के राजनीति में है, कोई आपत्ति नहीं होती है। और खास तौर पे हमारे परिवार पे हमेशा ये लोग आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन अगर राजनीति में कोई आता है तो जनता उसको, जनता के बीच जाना होता है, जनता उनको स्वीकार करेगी नहीं करेगी। अगर मैं अपना एक उदाहरण दूं तो मैं भी 2014 में चुनाव लड़ी, हार गई थी, लेकिन इस बार जनता ने मुझे जिताया है। तो इस तरह के बयान से बचना चाहिए। आए दिन आजकल देखते हैं जीतन राम मांझी जी को कि इतने सीनियर नेता हैं और मतलब ऊट पटांग बयान देते हैं, और आजकल तो वो केंद्र में मंत्री भी हैं, तो उनको इन बयानों से बचना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।